लेकिन एक बार फिर से उन 88 लोकसभा सीटों की बात जिस पर आज हो रही है वोटिंग, रंजना। बिल्कुल, और देखिए लगातार भारत 24 पर महाकवरेज जारी है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद है, 88 लोकसभा सीटों पर मौजूद है। क्या तस्वीरें हैं वो आपको बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त चलिए बाड़मेर आपको लिए चलते, जहां लक्ष्मण राघव वायनाड से, आयुष सूर्यवंशी और अक्षय अमरोहा से, साथ ही साथ अखिलेश सोलंकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लक्ष्मण राघव, आपके पास आते हुए पहले ये बताइए कि बाड़मेर में वोटिंग परसेंटेज की बात करें, किस तरह से वहां पर मतदान हो रहा है, क्या इस वक्त तस्वीरें हैं? देखिए रंजना, ये राजस्थान का ही नहीं देश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्रों में से एक है। बेल्जियम जैसे दो देशों का क्षेत्रफल इसके बराबर है। जहां तक आपने पूछा मतदान, तो राजस्थान में अब तक जो 1 बजे तक की अगर हम रिपोर्ट की बात करें या तकरीबन 2 बजे की बात कर लें, तो सर्वाधिक मतदान प्रतिशत इसी संसदीय क्षेत्र में देखा जा रहा है। एक तस्वीर दिखा रहा हूं किस तरह से राजस्थान की परंपरा भरी घूंघट है, लेकिन इनके हाथ में जो है वोटर आईडी है, यानी वोट की चोट घूंघट के भीतर से भी होगी। ये आप मान के चलिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती। बहुत जल्दी से मैं बता देता हूं क्यों। ये जो है जैसलमेर बाड़मेर सुर्खियों में है, हॉट सीट बनी हुई है। दरअसल ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां पर कभी दिवंगत जसवंत सिंह चुनाव लड़े, इसके अलावा यदि हम बात करें रामनिवास मिर्धा जैसे दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचे। लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी है, जिस सांसद ने 5 साल टर्म पूरा किया याद नहीं आता वो दोबारा जीता हो। कर्नल सोनाराम 4 बार जीते जरूर, लेकिन वो अलग अलग टर्म में जीते, रिपीट नहीं हुए। तो ये सबसे बड़ी बात है। यहां पर अब जो मुकाबला है भाजपा कैलाश चौधरी, निर्दलीय रविंद्र भाटी और कांग्रेस के प्रत्याशी के उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में है, जो आरएलपी से आए हैं। तो कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है, तीनों ही अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं मेरे सहयोगी अशोक सिरा, एक बहुत जल्दी से ग्राउंड फीडबैक ले लेता हूं क्योंकि अभी भी झगड़ा भी हुआ है, 2 लोग घायल हुए हैं। अशोक क्या देखते हैं, क्या खबर आ रही है, किस तरह चल रहा है? देखिए बाड़मेर इस क्षेत्र में अभी 5 घंटे चुनावों को शेष है और आप देखिए मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा है, 48% मतदान यहाँ बाड़मेर में हो चुका है और राजस्थान का संभवतः पहला ये लोकसभा क्षेत्र होगा जहां पर सर्वाधिक मतदान होगा। और अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में अलग अलग जगहों से विवाद जैसी स्थितियां आई है, करीब 4-5 जगहों से ऐसी घटनाएं आई है। अभी माबार में एक घटना हुई है जहां पर 2 लोग घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई, 2 जो आरोपी थे उनको रिटेन भी कर लिया, एसपी खुद मौके पर है। तो अलग अलग जगहों से अलग तस्वीरें आ रही है। आप देखिए बाड़मेर में भरी दोपहरी में लू के थपेड़े के बावजूद भी महिलाएं हैं, लोग हैं, वो मतदान को लेकर काफी उत्सुक है, यहां मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं तेज गर्मी भी यहां की सियासत की गर्माहट को कम नहीं कर पा रही है, उसी तेजी से मतदान हो रहा है। मैं आपको बता दूं पुलिस की खास तौर पर एक तरह से चाक चौबंद नजर आ रहे हैं, आईजी विकास कुमार सिंह हो या एसपी हो, गठबंधन के बाद भी आरएलपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। राघव, देखिए बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं ये तस्वीर भी आई कल, जो है चुनाव से पहले चीजें होती हैं, लेकिन जब हमने बात की कांग्रेस के प्रत्याशियों से, कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी से, तो उनका कहना था कि चुनावी घटनाक्रम है। दूसरी तरफ भाजपा इसे लेकर बेहद कॉन्फिडेंट नजर आती है, भाजपाइयों को लगता है इससे फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो सेंटिमेंट मैं समझ पा रहा हूं, जो यहां पर स्थिति बन पा रही है, अब इसमें आरएलपी का कोई बहुत बड़ा रोल मुझे नजर नहीं आ रहा। जहां तक फील्ड पर समझ में आती है बात, सीधा चुनाव है, त्रिकोणीय संघर्ष है, यहां पर तीनों दल अपनी कोशिश कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर मैं ये कहते हुए मुझे कोई दोराय नहीं है, भले ही हम कितनी भी बात कर लें, लेकिन राजनीति में जाति है कि जाति नहीं, ध्रुवीकरण का चुनाव ये सीधे तौर पर बाड़मेर जैसलमेर में बन गया। तस्वीर सामने आई थी खास तौर पर जो निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी, सोशल मीडिया पर उनके प्रचार के दौरान की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई, काफी ज्यादा सुर्खियों में भी आई। इसमें हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको केरल के वायनाड ले चलते हैं, जहां से आयुष सूर्यवंशी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और आयुष, सबकी निगाहें इस हाई प्रोफाइल सीट पर, सुबह से आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, मतदान को लेकर के लोगों में कितना उत्साह, और बीच में ये भी खबर सामने आई कि कई लोगों की मौत भी हो गई है, इसकी क्या वजह अभी तक सामने आई है? प्रिया, जो बड़ा फैक्टर है यानी कि हॉट सीट पर हीट वेव का असर देखा जा रहा है, वायनाड में ही मौजूद हैं, कटेपली करके एक यहाँ विधानसभा है एक बूथ पर, और तमाम लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं, कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा फैक्टर यह है कि हीट वेव का असर देखा जा रहा है केरल में, कहना होगा 3 लोगों की जान गई है, एक पोलिंग कर्मी की भी इस हीट वेव की वजह से जान चली गई। और तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है, 33 से 34 डिग्री तापमान है, लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर ये दिख रहा है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में इस वक्त 18% ह्यूमिडिटी है और केरल में वायनाड में इस वक्त 39%, यानी कि दिल्ली से लगभग 2 गुना ज़्यादा यहाँ पर ये ह्यूमिडिटी का असर देखा जा रहा है। हॉट सीट है, सबकी निगाहें हैं, और दूसरा बड़ा फैक्टर ये कह सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों की थोड़ी यहाँ कमी देखी जा रही है,
ये भी पोलिंग बूथ है और इधर भी एक ईवीएम का हिस्सा है और यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, लेकिन आप पूरे कैंपस में देखेंगी तो कुछ सिविल पुलिसकर्मी जरूर दिख रहे हैं, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान ज्यादातर जगहों पर थे, वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दिया, तो इस वजह से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सवाल आपने समीकरणों पर पूछा उसको बूथ के बाहर आकर बता देते हैं। देखिए, राहुल गांधी का असर देखा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एनी राजा भी चुनाव लड़ रही हैं मजबूती से, सुरेंद्रन भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का अपर हैंड अब तक कुछ हिस्सों में देखा जा रहा है और सीपीआई के भी जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर उसका असर, आईयूएमएल की वजह से जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर भी कांग्रेस की मजबूत पकड़ का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन ये भी तय है कि जितनी आसानी से पिछली बार यहाँ से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी उतनी आसानी लड़ाई एनी राजा के आने से नहीं दिख रही है। बिल्कुल आयुष, बने रहे हमारे साथ। पलक भी नोएडा से जुड़ गई हैं। पलक, कैसी तस्वीरें इस वक्त, कितना उत्साह वोटरों में और क्या कुछ अब तक का अपडेट है? बिल्कुल रंजना, इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और हालांकि बूथ मैंने फिलहाल चेंज किया है, लेकिन एक बार तस्वीरें पहले मैं दिखा देती हूं। धूप बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं वजह आप देख सकती है कि इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डेस्क लगाई गई है, किसी की कोई दिक्कत है, किसी का पर्ची में नाम नहीं है, किसी को वहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा, तो उनका ऑन द स्पॉट उनका यहाँ पर निवारण किया जा रहा है, जो भी उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरफ अगर आप देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात। अगर हम बात करें खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर ये यहां पर ब्राह्मणों का एक छत्र राज फिलहाल इस पर चल रहा है। जो डॉक्टर महेश शर्मा है वो लगातार दो बार से जीतते हुए आ रहे हैं, तीसरी बार हालांकि मैंने उनसे बातचीत भी की, भारत 24 ने एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत की, वो जीत को लेकर, हैट्रिक को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रिया आपको भी याद होगा, रंजना आपको याद होगा, पिछले दिनों कैसे राजपूत समाज ने एक बड़ी जनसभा की, बड़ी सभा की, तो बीजेपी को राजपूतों का कहीं ना कहीं वहां पर विरोध देखने को मिला था। तो इसको देखें, अगर बात अगर करें हम बसपा की अगर हम बात करते हैं, तो बसपा लगातार यहां से दो बार से हार रही, जब से परिसीमन के बाद से गौतम बुद्ध नगर अलग हुआ, जब से सिर्फ और सिर्फ एक बार बसपा जीती, दो बार से लगातार बीजेपी जीत रही है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय है, बीएसपी हो चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, तीनों अपनी जीत का दावा कर रही है। महेश शर्मा से बातचीत की, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाति जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन आज तो जनता का दिन है। लौटती हूं पलक आपके पास, लेकिन बागपत लिए चलते हैं। महिमा सिंह कंवर हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, और महिमा आप जिस सीट पर मौजूद है, कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह परिवार का गढ़ है, लेकिन 47 वर्षों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि चौधरी परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनावी मैदान में नहीं है, इस बार के समीकरण क्या कहते हैं और तस्वीरें वहां पर कैसी महिमा? बिल्कुल लॉरिसली, मुकाबला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। उससे पहले मैं आंकड़ा प्रिया और रंजना आपको फटाफट से बता देती हूँ, क्योंकि मैं मेरठ में से पहले मौजूद थी, वहां पर हमने आपको बता ही दिया कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन किठौर की बात करें, 39.92% मतदान हुआ है। उसी के साथ साथ प्रदीप आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। कैंट की जानकारी दें, 37.73% मतदान हुआ है, 36.92% शहर मेरठ शहर का फिलहाल मतदान हुआ है। इस वक्त मैं बागपत में मौजूद हूँ और बागपत में भी काफी कम प्रतिशत इस वक्त देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे धूप ढलती जा रही है वैसे वैसे हम देख पा रहे कि मतदान केंद्रों में आप जो मतदाता है वो भी आना फिलहाल शुरू हो चुके हैं, कुछ लोग मतदान कर भी चुके हैं। सर, आपने मतदान कर दिया है, वोट कर दिया? आपने वोट कर दिया क्या? क्या नाम है आपका? राम कुमार वर्मा। इस बार लोगों के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे तो सब विकास ही चाहे हैं जी, और क्या? विकास हुआ है क्या? बस जो हो रहा वो तो हो ही रहा, बाकी उसके बदले बहुत कुछ देना भी पड़े। क्या लग रहा है इस बार? तो ऊपर वाला जाने जी, हमें क्या पता, हम जनता सब जानती है, इतने बड़े राजनीतिक नहीं है जी, ना हमें पता। ठीक है, और कुछ लोगों से फटाफट से रिएक्शन लेते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। देखिए, और अभी लाइनें लगना फिलहाल यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, जो यहाँ पर मतदान के लिए लोग पहुंचे हुए उनसे एक बार छोटा छोटा रिएक्शन हम लेते हैं। आपका नाम बताइए, आप बताइए अपना नाम। महिलाओं के मुद्दे इस बार क्या है? मोनिका जी, इस बार महिलाओं के मुद्दे क्या है? महिलाओं के मुद्दे तो यही है कि शिक्षित हों महिलाएं, सेफ्टी हो, सुरक्षित हों, यही है, इसको ध्यान में रखे महिलाएं इस बार वोट कर रही है। यस। सरकार से खुश है ना खुश है? हम काम हुआ नहीं हुआ? बहुत काम हुआ, हमारे देश की तरक्की हुई है, हमारा देश इतने आगे गया है, तो उसमें हमें जो है बिल्कुल अपने अपने मुद्दे लेकर देखे वोटिंग कास्ट, वोट कास्ट करने के लिए लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बात अब अमरोहा की करते हैं, अक्षय राय हमारे साथ अमरोहा से बने हुए हैं। अक्षय, सुबह से आप पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, कितना उत्साह वोटरों में नजर आ रहा है? अमरोहा छोड़कर बीजेपी ने 7 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, क्या समीकरण और कैसी तस्वीर अब तक?
देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अमरोहा की जो वोटिंग परसेंटेज है वो सब कुछ बयां कर देता है। अगर यूपी में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज निकल के जो सामने आया है वो अमरोहा का निकल के आया है। अभी तक 1 बजे तक लगभग 40% मतदान हो चुका है। इसका मतलब है कि मतदाताओं ने सुबह से निश्चित रूप से तेज़ी दिखाई है। लेकिन जुमा है आज और जुमे के कारण नमाज़ पढ़ने लोग भी गए हैं, इसके कारण थोड़ी सी इस समय गिरावट निश्चित रूप से देखी जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे धूप ढलती जाएगी, दिन ढलता जाएगा, मतदाता तेज़ी से फिर मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि जिस मैं मतदान केंद्र पर हूँ, बूथ नंबर 297, 98, 99 ये बूथ है और यहाँ पर थोड़ी सी अराजकता जरूर सुरक्षाकर्मियों की देखी गई है। लोगों का आरोप है कि मतदान में सहयोग नहीं करने दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये मोहम्मद शमी का गांव है, भारतीय क्रिकेटर हैं और वो कुछ देर बाद यहाँ पर वोट देने पहुँचेंगे, ये खबर आ रही है। तो कह सकते हैं कि अमरोहा में वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक हुआ है। अमरोहा सीट के साथ देखिए, भी इतिहास है कि 1980 के बाद से किसी भी प्रत्याशी को दोबारा यहां पर नहीं चुना गया है। इस बार वहां की जनता क्या फैसला लेती है वो देखना बहुत अहम होगा। गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। साक्षी मिश्रा हमारे साथ, हमारी सहयोगी मौजूद है। और साक्षी, मैंने आपकी तस्वीर देखी कि आपने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया, लेकिन क्या आम जनमानस में भी इतनी जागरूकता आपको नजर आती है? बिल्कुल प्रिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यही प्रयास कर रही हैं, एक ही नारे को आगे बढ़ा रही हैं कि पहले मतदान कीजिए, उसके बाद में जलपान या फिर काम कीजिए, और उसी अधिकार का इस्तेमाल आज मैंने किया है। लेकिन इस बीच मैं उसी बूथ पे मौजूद हूँ जहाँ पर आज यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है, अतुल गर्ग जी, जिनसे बातचीत भी भारत 24 ने करी थी सुबह के वक्त, पहला वोट क्योंकि उन्होंने ही इस मतदान केंद्र पर डाला था, उनके द्वारा भी बातचीत की गई। आपको इसके बारे में समीकरण भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ लोगों के साथ में बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। मैम, आपने वोट डाल दिया है? एक बार आप वोटिंग फिंगर दिखाएंगे अपनी, कैसा लग रहा है वोट डाल के अपने मतदान? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गाजियाबाद के मुद्दे क्या हैं आज, किन मुद्दों के ऊपर आपने वोट डाला है? सफाई है ज्यादातर और जनरल है, जैसे भ्रष्टाचार वगैरह सब कुछ है। अच्छा, बीजेपी लगातार इस सीट के ऊपर जीतती आ रही है, 2009 से लेकर अब तक बीजेपी का दबदबा यहाँ पर रहा है और अब एक नए कैंडिडेट को उतारा है अतुल गर्ग जी को, क्या लगता है कि पुराने कार्यों के जो बेनिफिट्स है वो नए कैंडिडेट को मिलते हुए नजर आ रहे हैं? बेनिफिट्स ये तो उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, सॉरी। चलिए ठीक है, इस बीच और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन अगर इस सीट के ऊपर समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अतुल गर्ग को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले राजनाथ सिंह यहाँ से इस सीट से जीत चुके हैं, हाई प्रोफाइल सीट इसको कहा जाता है। उसके बाद 2 बार से वीके सिंह, जनरल वीके सिंह यहाँ से जीत रहे थे। और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अब तक 24% से ज्यादा गाजियाबाद में वोटिंग हो चुकी है। महत्वपूर्ण बात प्रिया ये भी है कि गाजियाबाद की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी के लिए एक सेफ सीट कही जाती है, वहीं अतुल गर्ग के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा जा रहा है कि अतुल गर्ग को टिकट एकदम से देना और वीके सिंह का एकदम से पीछे हटना, इसके पीछे एक भी कारण बताया जा रहा है कि जिस जाति से अतुल गर्ग जी तालुकात रखते हैं वो जाति वही जाति है जिससे अरविंद केजरीवाल तालुकात रखते हैं। ऐसे में बीजेपी ने जब अतुल गर्ग को टिकट दिया है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अतुल गर्ग जीतते हैं और उनको टिकट दिया गया है तो इससे जो दिल्ली की 60 सीटें हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और वो भी बीजेपी के पक्ष में वोट डालते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी आप देखिए, अभी आपको मतदान केंद्र जो है थोड़ा खाली नजर आएगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश से छतरपुर से हमारे साथ अखिलेश सोलंकी है। अखिलेश, मध्य प्रदेश में दोपहर तक की बात करें तो 38.96% वोटिंग और सबसे कम रीवा और होशंगाबाद में अधिक वोटिंग हुई है। जरा बताएं किस तरह से वोटिंग की ये पूरी प्रक्रिया चल रही है? देखिए, जिस तरह से महाकौशल में पहला राउंड हुआ था, अब बुंदेलखंड में हम कह सकते हैं कि 1 बजे तक यानी कि पहले 6 घंटे में जो वोटिंग परसेंटेज है वो ठीक ठाक रहा। होशंगाबाद क्योंकि राजधानी से सटा हुआ है और वहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री का दौरा भी हुआ था, उसका भी असर देखने को मिल रहा। रीवा में कम वोटिंग कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंता में डाल सकती है क्योंकि वहाँ पर जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं और साथ ही साथ जो कांग्रेस की नीलम मिश्रा है उनमें कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। सतना में जो 40% आपको आंकड़ा दिख रहा है उसका मूल कारण यह कि त्रिकोणीय मुकाबला है, बसपा कैंडिडेट भी मुस्तैदी से या मजबूती से लड़ रहे हैं। खजुराहो में एक तरफा मामला चल रहा है और अगर मैं टीकमगढ़ की बात करूं तो यहां पर भी बहुत लड़ाई देखने को नहीं मिल रही है। तो जो वोटिंग परसेंटेज है और अभी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इक्का दुक्का ही लोग वोट करने पहुंच रहे हैं क्योंकि गर्मी चरम पर है। बुंदेलखंड की गर्मी बहुत तीव्र है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पोलिंग बूथ पर कूलर्स की व्यवस्था की गई, तमाम तरह की व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी वोटर्स जो अब लगता है कि अंतिम 2 घंटे जब होंगे यानी कि 4 से 6 बजे का जब वक्त होगा तब ज्यादा निकलते नजर आएंगे। जी
ठीक है, ये बहुत देखना अहम होगा। अखिलेश लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन जम्मू अपने दर्शकों को हम ले चलते हैं। सैयद तजम्मुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और तजम्मुल, अभी तक जो आंकड़ा आया है सामने वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से, वो बताता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, 45 से 50%। आपके पास और क्या अपडेट और कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? देखिए, जम्मू की तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। अब से कुछ देर पहले मैंने पीएमओ में एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत की, और एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्हें कहा कि ये जो तस्वीरें जम्मू से निकली हैं, जो 50% क्रॉस करते करते शाम 5 बजे तक 70-80% के आसपास में वोटिंग होगा, इसका मतलब कि इसकी परछाई कश्मीर में पड़ेगी। और ये जो वोटिंग में आज कतारें हमने देखी, महिलाएं देखी, फर्स्ट टाइम वोटर देखे, बुजुर्ग देखे, मुसलमान देखे, बाकी कम्युनिटीज के लोग देखे, इसकी परछाई आने वाले वक्तों में कश्मीर में पड़ेगी। क्योंकि कश्मीर में 90 के बाद 2024 या 2018 तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत कम होता था। और पीएमओ जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में घाटी में जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम होता था। और जम्मू की तस्वीरें, उधमपुर की तस्वीरें, कटरा की तस्वीरें, सांबा की तस्वीरें आने वाले वक्तों में एक विधायक को, एक सांसद को बनाने में लाखों वोट जब वो हासिल करेगा तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। कुल मिलाकर अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें 40% वोटिंग क्रॉस हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर ये, हालांकि कुछ इलाकों में गुजरनगर जम्मू से खबर आई कि इलाके में जो वोटर हैं, 25 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम लिस्ट में नहीं देखे तो बड़े वो इत्मीनान में नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था अगर आप देखेंगे, याकूब आप दिखाए गए ये जो तस्वीरें हैं जम्मू श्रीनगर राजमार्ग की, यहाँ पे जी बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच ये वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। सत्य प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं अमरावती से। और सत्य प्रकाश, वोटिंग के बीच नवनीत राणा ने, बीजेपी के उम्मीदवार जिनसे आपने खास बातचीत की, जीत का दावा उन्होंने किया। अब जरा ये भी बताएं कि किस तरह की तस्वीर इस वक्त, और देश में वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर, मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह लोगों में देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट के लिए मतदान आज हो रहा है। महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित सीट अमरावती है। अमरावती में प्रमुख उम्मीदवार के तौर पे नवनीत राणा जाने जाती हैं, लेकिन अमरावती में थोड़ी जो है लड़ाई होने वाली है। सत्यप्रकाश रोक रही हूं, डिंपल यादव को सुन लेते एक बार। कि अगर हम आकलन करेंगे तो पिछले 10 सालों में जो वादे करे कि सरकार पूरी नहीं कर पाई, और वो समझती है कि आज लोग राही त्राही बचा रहे हैं, जो जमीनी जो लोग हैं वो दुखी हैं, ताड़ित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और मैं समझती हूँ इनकी सारी बातें सही साबित हो रही हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा किया था, पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनकी माताओं के मंगल सूत्र की बात कही थी, उसका जवाब अभी तक सरकार दे नहीं पाई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे जो गवर्नर थे, जो गवर्नर साहब थे मलिक साहब, उन्होंने कहा था कि लगभग सरकार को कहा था कि जवानों के लिए एयरक्राफ्ट आप दीजिए, क्योंकि भारी संख्या में जवानों को शिफ्ट करना है। कभी भी इतिहास में आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि इतने सारे जवानों को एक साथ शिफ्ट करा जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो लगातार मांग करी गई थी, लेकिन यह सरकार ने इस मांग को नहीं मानते हुए सभी जवानों को बाय रोड भेजा, वो भी भारी संख्या में। कभी भी इतनी सारी पलटून जो है, जो फोर्सेज है, इतनी सारी एक साथ मूव नहीं करती है, टुकड़ियों में मूव करना होता है क्योंकि संवेदनशील इलाका है वो। लेकिन इस सरकार ने किसी बात का संज्ञान ना लेते हुए इस घटना का जो अंजाम हुआ है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि टाइमिंग क्या। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव, जो कि खुद चुनावी मैदान में हैं, हालांकि उस सीट पर भी वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र पर हमला बोलती हूं। लेकिन एक बार फिर से आपको अमरावती लिए चलते हैं। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप प्लीज पूरा कीजिए। बिल्कुल प्रिया, देखिए अमरावती में नवनीत राणा और बलवंत वानखेड़े के साथ साथ बच्चू कड़ी की प्रहार जनशक्ति पार्टी का ये त्रिकोणीय जो है मुकाबला हो रहा है। ऐसे में लगातार महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है कि किस तरह से वेव और गर्मी का असर देखा जा रहा है, हीट वेव का असर आप देखेंगे तो धीरे धीरे इस मतदान केंद्र पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि दोपहर में बिल्कुल बंद सा हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से लगातार लोग आ रहे हैं। हालांकि यहाँ के अगर परसेंटेज वोटिंग की बात करें तो करीब 37% तक यहाँ मतदान हुआ है, और लोग अब धीरे धीरे आने लगे हैं क्योंकि धीरे धीरे मौसम का मिजाज भी बदल रहा है।
कभी धूप आ जाती है तो कभी छाया आ जाती है, इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र की है, अमरावती की है। लेकिन जिस तरह की समीकरण की अगर बात करें तो पिछली बार जब नवनीत राणा यहाँ सांसद बनी थी तो उस वक्त जो है उन्होंने शिवसेना के प्रबल उम्मीदवार आनंद राव अड़सूल को हराया था। हालांकि 5,10,700 कुछ वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन उस वक्त जो है अड़सूल शिवसेना पक्ष थे और यह सीट जो है हमेशा से शिवसेना के पक्ष में रही है, शिवसेना के कब्जे में रही है। लेकिन नवनीत राणा के आने के बाद यह जो है कहीं कहीं नवनीत राणा के पक्ष में ही, लेकिन साल 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर अमरावती से थी नवनीत राणा और उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि इस बार चुनाव से ठीक पहले उनका नाम अनाउंस होता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरती है। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए।